सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको, जितने भी मेरे मतलब लोग देखते हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। और भैया जन्माष्टमी, जन्माष्टमी ये देखो रेड पे फूल फेंक रहा है। रोड पे क्यों फेंक रहा है? रोड पे पहले बताओ, रोड पे क्यों फेंक रहा है फूल? है नलायक। तो भैया आज है जन्माष्टमी, और आज क्या होने वाला है जन्माष्टमी पे? कान्हा जी को मैं ना आज नलायक के उनका चूल्हा सजाएंगे, आज हम लोग फूल मंगवाएंगे। ओके, फिर है ना हम मेरी टेबल पे ना हम दोनों की कान्हा जी को रखेंगे और उनको सजा देंगे। और ये मौसम देखो, सबसे पहले तो ये देखो मौसम कितना क्लासिक हो रखा है। और कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। अच्छा, बस और कुछ भी है? और कुछ भी, बहुत सारे चीजें, बैलून मंगवाऊंगा। बस ठीक है। तो तू ना आया तो है नहीं, ऐसे गंदों की पूजा करेगा क्या? बाद में आऊंगा। हैं? बाद में आऊंगा। बाद में कब आएगा? शाम को? नहीं। तो पता ही नहीं तुझे कब नहाना है? रे यार, तो इसको यही नहीं पता नहाना कब है, और बट इतना पता है कि पूजा करनी है। तेरे को मना कर रखा ना चीखने चिल्लाने के लिए, हैं? क्यों मत करा कर ऐसी गंदी हरकतें? तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा मतलब है ना मस्ती हस्ती करने लग गया, मस्ती खोर हो गया। और आज का सीन ये है कि भैया मंदिर में अभी थोड़ी देर में चलेंगे, मंदिर का थोड़ा सा काम वाम भी करवाना है। मंदिर में आज जन्माष्टमी है ना, तो थोड़ा सा पूजा वूजा का काम वाम करवाना है, और भी बहुत सारे काम है। तो देखते हैं अभी चलेंगे तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ब्लॉग, क्योंकि जरा शाम को डेकोरेशन वगैरह भी देख के आएंगे अगल बगल के मंदिर को। और इसको लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि है ना ये बहुत ज़्यादा है ना आजकल पंगे लेने लगे। ये देखो सारे झाड़ू लगाया था मैंने, सारी जगह इसने झाड़ू मतलब नाश कर दिया झाड़ू का। क्यों ऐसे क्यों कर रहा है यार ऋषभ? मैं पीटूंगा फिर मैं, तू मेरे को मत कहना कि मेरे को क्यों पीटा। चल तू अंदर ही लाइक है भाई, ला चलो अंदर। मैंने लगाया था झाड़ू और उसने ना पूरे झाड़ू के ओ भाई कपड़े गिर गए, ओ भाई कपड़े गिर गए। तो भाई ऊपर से गिर गए कपड़े, और अभी कपड़े पकड़ाते हैं। कहाँ घूमता रहता है तू? और आजकल ऑटो से जाने लग गया स्कूल? स्कूल ऑटो से जाता है? क्यों, क्या हो गया? तो भाई कटिंग तो मस्त करा क्या है डॉलर वाली। चुन्नू भाई ये वाली गाड़ी भी क्लीन करनी है भाई, क्लीन कर दियो, कर देगा ना? हाँ या ना तो बोल यार, सच्ची। तो भाई ये चुन्नू की हम है ना डेली टांग खींचते हैं, जब ये ना जब भी झाड़ू लगे, जब भी गाड़ी साफ करता है ना मैं इसको डेली छेड़ता हूँ। मेरी बाइक भी निकाल दूँगा फिर तो। बाइक को होते 1000 रुपये दूंगा तो फिर क्या फायदा? ओए मैं तो 1000 रुपये मैं नहीं दूंगा ना। तो भाई हमारे आर्गुमेंट ऐसे ही चलते हैं। और अभी मैं कर रहा था थोड़ा बहुत काम, आज पीसी ऑन पड़ा है और काम चल रहा था। ओ भाई पीसी बंद हो गया, तो इसको भी देखते हैं क्या हुआ, और काम वाम निपटाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर वंदिर के काम से, और अपनी गैंग को इकट्ठी करते हैं और उनके साथ में काम वाम करवाते हैं, थोड़ा मजे वाले काम पर दिखाते हैं आप लोगों का। मंदिर में कैसी चहल पहल रहने वाली है, मतलब मज़ा आने वाला है मंदिर के अंदर, तो जो भी रहेगा वो देखेंगे जरूर। गुब्बारों के लिए घर घर नहीं सॉरी दुकान। अब बता, नहीं है अब इसके पास भी, अब बता नहीं है, अब मैं किधर ही नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ में घूम आया। एक बार वो ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, ताऊ जी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चलो। भाई पता नहीं मिलेंगे अभी तो नहीं मिलेंगे। और भाई इधर चल रही है चिल्ड्रन पार्टी की गेम, पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं भाई। और हनी का हने, ओ हने लाओ, दे दो 10 रुपये के, जा ले 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 10 रुपये ले जा ताऊ जी के पास। ओ हनी, ओ भाई अंधेरा कायम हो रखा है भाई, अंधेरा कायम रहे भाई, मिल गए गुब्बारे भाई। इस गुब्बारे के लिए लड़ाई हो रही थी भाई, इस गुब्बारे के लिए, तुझे पता है क्या? तो भाई एक चीज़ तो कंफर्म है, जो चीज़ कहीं नहीं मिलती ना वो हनी की दुकान पे आके मिल जाती है, हमारे ऋषभ को भी पता है। तो भैया जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी ना
तो ये सीधा बोलता है हन्नी भैया की दुकान चलो, हन्नी भैया की दुकान में मिलेगी। और भाई इनके पता नहीं क्या गेम चल रहे हैं भाई, कितनी उदम मचाते हैं ये लोग। है ताऊ जी तो कितनी उदम मचाते हैं ये लोग, वो डांटा नहीं डांटते नहीं होगा है, हो गया काम। इधर आओ, कितने लिए? अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। हाँ वही तो बात है ना, तो सर ताऊ जी ने ना हमारे चाचा बच्चों को पढ़ाया था, चाचा पूछ रहे थे और लोग नहीं कर रहे। तो भाई मंदिर आज जल्दी चले आएगी, और आज मंदिर भी चलेंगे देखने यार, डेकोरेशन चलेगा आस पास में एक दो मंदिर देखेंगे आसपास वाले, जहाँ अच्छी डेकोरेशन होगी वहाँ देख लेंगे। भाई गर्मी तो बहुत ही गंदी हो रही है, तो भाई आज इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई मैं दिन भर बैठ के काम कर रहा था और अब ये हन्नी ने पकड़ लिया। हन्नी रख ले इसको, मैं जा रहा हूँ। हन्नी रख ले इसको। और इसको ट्यूशन वाला आया हुआ है, चल। हन्नी छोड़, इसका ट्यूशन वाला आया हुआ है। तो आज है ना पता है, एक महीने बाद इनका ट्यूशन वाला आया है, तो भैया अभी इनको लेके जाने दे। चल घर चल। याद भी नहीं, ब्लॉग करने की इच्छा नहीं कर रही भैया, कॉपीराइट आएगा आज। बहुत बढ़िया वाला मुझे लग रहा है, और भाई बहुत बढ़िया साउंड बज रहा है। देखो मार हुआ रोड पे लग गया ये, चलो अंदर, रोड पे लग रहा है। तो भाई आज है ना पतंग उड़ रही है, मैं आपको पतंग दिखाता हूँ। वो काफ़ी देर से पतंग उड़ रही है, काफ़ी बड़ी पतंग है वो, देखो एक ही पतंग है वो रही। तो वीडियो में तो इतनी बड़ी दिख नहीं रही, बट रियल वाली आई इससे देखो तो बहुत बड़ी पतंग है। तो भाई पता नहीं कौन डर है, तो भाई मंदिर में बज रहे म्यूजिक, तैयारी व्यारी चल रही है। अभी मैं वहाँ पे भी गया था, बट वहाँ पे साउंड इतना तेज़ था ना, तो मैं ब्लॉग करता तो आवाज़ ही नहीं आती, इसलिए मैंने करा ही नहीं। तो फिर मैं घर ही आ गया, मैं यार घर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो काम वाम करते हैं, फिर दोबारा चलेंगे मंदिर, फिर देखेंगे थोड़ा बहुत बनाएंगे ब्लॉग। शाम तक तो मैं घर पर ही था, फिर मेरे को कहीं जाना पड़ गया अर्जेंटली काम से। और आपको दिखाता हूँ मैं आज की हमारे घर में क्या डेकोरेशन हुआ। तो भैया ये कान्हा जी है, और कान्हा जी को ऐसे ये हमारे ये ऋषभ ने और दिया ने मिलकर सजाया है। और ये पता नहीं क्या क्या खाने को रखा भाई, स्नैक्स, चॉकलेट है, बिस्किट है, केला है, अच्छा, किशमिश है, किशमिश है, वाटर है, पानी है, अच्छा, कच्चा आम भी है, अच्छा, खीर है, मिठाई है, और क्या है? ये पता नहीं क्या है, ये वो है साबूदाना। भाई आज तो कान्हा जी, तो भैया ये हमारे कान्हा जी है, तो आज हमारे कान्हा जी की तो मौजे होने वाली है, क्योंकि सारी मेहनत करी ऋषभ ने, सारी मेहनत ऋषभ ने करी है। और ये हमारे ऋषभ की बांसुरी, वो बजती भी है, मैं तो देखा तोड़ दी होगी। बजा के दिखा इसको, बजा के दिखा। और इधर हो रही है बैटरियाँ चार्ज, बिकॉज कल भैया एक वेडिंग फंक्शन है कल और परसों का, तो कल सुबह निकल जाएंगे वहाँ पे और देन इवनिंग में आएंगे, फिर परसों मॉर्निंग से ही वेडिंग है, इवनिंग में फ्री हो जाएंगे, पंजाबी वेडिंग है। तो भैया कल का वो काम है। और ऋषभ दिखा कैसा लग रहा है, तू इधर आ सामने आ। तो ये देखो भैया ने आज पहनी है, देख सामने खड़ा होने यहाँ पे। तो ये ऋषभ ने कुर्ता पजामा पहना है और इसने ये पहना है, और बट ये क्या है ज़्यादा मॉडल है, स्टाइलिश है, इसलिए मैंने आजकल इसको कम मतलब दिखाना शुरू कर दिया, पता है मुझे, पता है। तो ये ना मैं मेरे से मार खाएगा, तू मेरे से मार खाएगा। तो भैया हन्नी का कॉल आ रहा है मंदिर जाने के लिए, और इसके फेशियल ही ख़त्म नहीं हो रहे भाई के। भाई हमारे टाइम पे अगर हम ऐसी हरकतें करते ना, हमारे हमारे को पिटाई हो जाती थी हमारी। तो भाई हन्नी का कॉल आ रहा है दूसरी बार, आ गया अगेन कॉल, तो एक बार उससे बात करते हैं क्या बोल रहा है, उसको कोई काम ही हुआ शायद, तो उससे बात करते और देखते क्या सीन। तो भैया हम आए थे मंदिर, और मंदिर क्यों आए थे मंदिर, तो भैया आज जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के चक्कर मंदिर में आए थे। और आए थे हम दोस्त के साथ उसकी नई गाड़ी के अंदर, तो भाई ने भी गाड़ी लिया अपना फ्रेंड ने, अपने लौंडे ने, क्या हो गया था वह शक्ल तो दिखा दे। और तो भाई अपना दादा
भाई अगर किसी को दारू वारू चाहिए ना, अगर किसी को दारू चाहिए ना तो हमारे भाई से कॉन्टेक्ट करें, और कोई सी भी दारू हो, कोई सी भी सारी दारू मिलेगी। तो भाई है ना, अगर दारू लेनी हो ना तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी दारू बल्क के अंदर पेटी के अंदर देसी चाहिए वैसी मिलेगी। देसी नहीं देंगे भाई, देसी नहीं, देसी नहीं, अरे बल्क के अंदर, लॉट के अंदर भी देसी नहीं, एक तो धंधा ही नहीं भाई, देसी नहीं इंग्लिश मिलेगी। और आपको ये और बता देता हूँ, जॉनी वॉकर मेरे नाम से जाओगे ना तो डिस्काउंट भी मिलेगा। जॉनी वॉकर डंकी चाहिए, जॉनी वॉकर जिसको चाहिए, मेरे को पता आप वाले तो लोगे नहीं। बट एक बात सीरियसली बता रहा हूँ, भाई का है ना अल्कोहल का ही काम है, और ज़्यादातर सप्लाई यही करता है, वगैरह का ही काम है। और वैसे कौन सा ब्रांड है तेरा, कौन से ब्रांड का मतलब प्रोडक्ट? जॉनी वॉकर। तो भाई करता है जॉनी वॉकर की दारू सप्लाई, और किसी को चाहिए हो तो भाई से कांटेक्ट कर लो, नंबर नहीं दूंगा, बस मेरे कमेंट कर देना, मैं आगे मैसेज भेज दूंगा। इसका भी कमीशन बनेगा ना तो नहीं भाई, डिस्काउंट मिलेगा ना, भाई तुझे पता है आज ही मेरे पैसे पे यहाँ पे वीडियो आ रहा है, इसको गाड़ी से मैं लेकर आया यहाँ पे, क्या बना रहा तू ब्लॉग पे? नहीं मगर तुझे 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 एक चीज और बता दूं कि भाई हम संडे के संडे डेली राइड करने जाते हैं, भाई बच्चे को क्या हो गया, डेली संडे के संडे राइड करने जाते हैं। कौन सी राइड करते हो? मतलब तो घूमने जाते हैं। अच्छा वैसी राइड, जाना हो तो बता देना। तो कौन सी राइड चल जाता भाई, वाली राइड भाई, भाई क्राउड देखो और हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से चलते हैं, मेरे आगे ब्लॉग शूट करेंगे, अब यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा भाई को देख। तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और भैया हम चले गए थे मुझे, और कान्हा जी को झुलाया उलाया कुछ नहीं, तो इन्होंने सब कुछ कर लिया। और ये देखो, तो ये गुब्बारों की लड़ाई हो रही है, मैं इनके लिए कौन लाया, टॉफी कौन लाया, टॉफी कौन लाया, इस कौन लेके आया, कौन लाया? तो भाई मेरे जो मेरा काम करता है मैं उसी को दूंगा ना, जो मेरे से प्यार नहीं करता मैं उसको क्यों दूँ, मेरे को जो प्यार करेगा मैं तो उसी को दूंगा ना। तो भाई दिया में क्या एटीट्यूड आ चुका अब, ये गुब्बारों या तो अब गुब्बारों में भी लड़ाई हो रही है। भाई रात के 1 बज रहे हैं, कल स्कूल भी जाना है, क्यों मैडम का बर्थडे, तुम्हारी मैं ना पिटाई कर दूंगा, दोनों जने जाके सो जाओ, रात के 1 बज चुके हैं तो अभी तक नहीं सोए। तो भैया अभी अभी मंदिर में क्या मैं वो चढ़ला मत बांध रहा था, तो हाथ पूरे ऐसे हो चुके हैं ना चिपचिपे से, तो अभी हाथ साबुन से 2-3 बार तो धो चुका। और ये देखो ये गुब्बारा बना लगा दी इसने, लंका लगा दी गुब्बारों की। लो चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो चलो मैं क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ दोनों छोड़ दो और बेशक चलो अंदर। 1 बज गया, तुम दोनों रात को भी तुम्हारे को चैन चैन नहीं है, और इसको तो ये चल अंदर चल जी को तुझे लालो चल जा रहे मेरे तो सारे दे दो ही बच्चे मेरे पास तो खुले हुए।
छोड़ दे नीचे, चल अंदर, चल थोड़े दिया, चलो अंदर, चलो चलो फटाफट, और गेट बंद करके जाना, ये दोनों दोनों गेट बंद करके जाना, ये दोनों गेट बंद करके जाओ, क्या कह रहा हूँ, चलो। तो भैया भैया था आज का दिन, भैया जन्माष्टमी बढ़िया से मनी, और आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और आगे का प्रोसेस आपको पता ही होगा क्या करना है, और इसी अच्छे ब्लॉग के साथ में कान्हा जी से हम दुआ करते हैं कि भैया हमारा चैनल अच्छे से चले आने वाले साल में, और अच्छी से मतलब ग्रोथ करें, मतलब थोड़ा अच्छी ग्रोथ करें, और बाकी तो जो भी है ऊपर वाले का हाथ रहा तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। तो बस इस ब्लॉग को इसी के साथ में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।